नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर 2.80 वर्सन ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है। इस ट्यूटोरियल में ब्लेंडर 2.80 के बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्लेंडर डाउनलोड करते हैं। ब्लेंडर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर ब्लेंडर टाइप करिए और फिर हमें इस लिंक पर जाना है जहाँ पे blender.org है। blender.org ये ब्लेंडर का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे देखिए ब्लेंडर का जो करंट वर्सन है वो है 2.80। तो हमें ब्लेंडर 2.80 डाउनलोड करना है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ब्लेंडर 2.80 बीटा वर्सन पर ट्यूटोरियल बनाया था और अभी ये जो ट्यूटोरियल है ये रेगुलर वर्सन पर है जो ऑफिशियली मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है। और इसके ऊपर जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये जो इंस्ट्रक्शन बता रहा है आपको सिर्फ फॉलो करते हुए जाना है। ठीक है, तो मैक में इस तरह इंस्टॉलेशन होता है और विंडोज़ में अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। ये देखिए ब्लेंडर इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब इसको लॉन्च करना है तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। जैसे हम लोग ब्लेंडर लॉन्च करेंगे हमारे सामने ये सबसे पहला स्क्रीन अपीयर होगा और इसको स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। और ये जो है ब्लेंडर का एक मूवी है जिसका नाम है स्प्रिंग। आप इस लिंक पर जाके इस फिल्म को देख सकते हैं और ये एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए सिर्फ ब्लेंडर यूज हुआ है। ठीक है, और इस स्प्लैश स्क्रीन को हटाने के लिए आप बाहर कहीं पर और भी क्लिक करें वो हट जाएगा। जब हम फर्स्ट टाइम ब्लेंडर लॉन्च करते हैं तो ये हमारे सामने डिफ़ॉल्ट इंटरफेस अपीयर होता है। यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे तीन चीज़ अवेलेबल है। पहला है एक क्यूब, दूसरा है एक कैमरा, तीसरा है एक लाइट। इस सेक्शन को सीन कहते हैं। जो भी हम लोग मॉडलिंग वगैरह करेंगे वो इस सेक्शन में करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिए, हम लोग ब्लेंडर क्यों यूज करते हैं। हम लोग ब्लेंडर तीन कारणों की वजह से यूज करते हैं। पहला है मॉडलिंग के लिए, 3D मॉडल वगैरह तैयार करने के लिए, दूसरा है एनिमेशन के लिए और तीसरा है कंपोजिटिंग के लिए, जैसे VFX वगैरह काम हो गया। ठीक है, इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग सिर्फ मॉडलिंग के ऊपर ध्यान रखेंगे। इस सेक्शन को सीन कहते हैं और यहाँ पे सीन कलेक्शन है, यानी कि इस सीन के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, मौजूद है, उसका लिस्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे कई सारे कंट्रोल्स हैं और इन कंट्रोल्स का प्रयोग करके हम लोग रेंडर कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं, टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, लाइटिंग सेट कर सकते हैं। और ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये एनिमेशन पैनल है। जब हम एनिमेशन करते हैं तब इसका प्रयोग होता है। यहाँ पे कई सारे टूल्स हैं, इस टूल्स का प्रयोग हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। अब ये मेरा क्यूब है, मैं चाहता हूँ इस क्यूब को करीब से देखूँ, तो कैसे देखूँगा? इसके लिए मुझे माउस में जो व्हील बटन है उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे ही मैं माउस बटन का व्हील बटन को मूव करता हूँ तो मैं जूम इन कर पाता हूँ और जैसे ही मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में स्क्रॉल करता हूँ तो मैं जूम आउट कर सकता हूँ। कई मौके ऐसे आएंगे कि ये जो क्यूब है इसके साइड क्या है वो देखना है, तो मैं कैसे देखूँगा? उसके लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड पर अल्ट प्रेस करूँगा और माउस का लेफ्ट बटन पे प्रेस करूँगा और माउस को मूव करूँगा। कई बार मौके ऐसे आएंगे कि आपका ये जो क्यूब है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, आप इसको राइट साइड की तरफ मूव करना चाहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो सीन है इसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा और फिर माउस पर जो व्हील बटन है उसको प्रेस करके रखना होगा और माउस को मूव करना होगा। तो ये हो गया हमारा सीन को कैसे आप लेफ्ट या राइट मूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टूल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है सिलेक्ट टूल, यानी कि इस टूल का प्रयोग करके हम लोग, ये टूल जब ऑन रहेगा तब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये रहा कैमरा, कैमरा भी सिलेक्टेड है, लाइट को सिलेक्ट किया और अभी क्यूब को सिलेक्ट किया। कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है आप इस सीन को देखकर जान सकेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑरेंज कलर का हाईलाइट हुआ है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्टेड है। अदरवाइज आप सीन कलेक्शन विंडो के अंदर अगर आप देखोगे, इस पैनल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देख के आप समझ सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्टेड है।
अभी हम लोग जानते हैं मूव टूल के बारे में। मूव टूल कब यूज होता है? अगर मैं इस क्यूब को एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में मूव करना चाहता हूँ तब मैं यूज करूँगा मूव टूल। जैसे मैं मूव टूल पर क्लिक किया, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड था उसके ऊपर इस तरीके से तीन एरो अपियर हो गए। यहाँ पे गौर करिए, ये जो तीन एरो हैं इनके कलर्स अलग अलग हैं। इस एरो का कलर है ग्रीन, इस एरो का कलर है ब्लू और इस एरो का कलर है रेड। अब हम इन एरो के कलर को देखकर और यहाँ पे ये जो एक गिजमो है इसको देखकर हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है और कौन सा जेड एक्सिस है। यहाँ पे देखिए, ये जो रेड वाला एरो पॉइंटेड है ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पर देखिए ये रेड वाला, ये एक्स एक्सिस है। उसी तरह ग्रीन वाला जो ये एरो पॉइंटेड है ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस है। ऊपर वाला जो एरो है ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, ब्लू कलर का एरो है, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस या फिर जिसे जी एक्सिस भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर का एरो है ये जेड एक्सिस की तरफ पॉइंटेड है, ठीक है। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, जिस एक्सिस की तरफ हमें मूव करना है उस एरो हेड पर मुझे क्लिक करना होगा और माउस को मूव करना होगा। अगर मैं वाई एक्सिस में इसको मूव करना चाहता हूँ तो ये रहा वाई एक्सिस, इस एरो हेड पर मैंने क्लिक किया और इसको मैं जिस पोजीशन में चाहता हूँ वाई एक्सिस में मैं वहाँ रख सकता हूँ। उसी तरह मैं एक्स एक्सिस में एरो हेड पर क्लिक करके मैं इसको एक्स एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। उसी तरह इस एरो का जो ब्लू एरो हेड है उसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको जेड एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। अच्छा, मूव टूल का प्रयोग करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट को एक्स वाई और जेड एक्सिस में मूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग मूव करते हैं, क्या हम एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए जो टूल यूज करते हैं हम लोग वो है रोटेट टूल, और मूव टूल के नीचे ही वो अवेलेबल है। रोटेट टूल पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वो एरो हेड वाला चीज़ हट गया। अब इस तरीके के सर्कल आ रहे हैं। इस सर्कल को अगर आप करीब से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर भी एक रेड कलर का हाफ सर्कल है, ब्लू कलर का एक हाफ सर्कल है और ग्रीन कलर का एक हाफ सर्कल है। इसका मतलब अगर हम लोग इस हाफ सर्कल के ऊपर क्लिक करके मूव करेंगे तो उस डिजायर्ड एक्सिस में हम लोग इसको रोटेट कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में मूव करना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे ये जो रेड कलर का हाफ सर्कल है उसके ऊपर क्लिक करना होगा और इसको ऐसे रोटेट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस में मैं इसको रोटेट कर पा रहा हूँ। उसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को तो मुझे ग्रीन कलर का जो हाफ सर्कल है उसके ऊपर क्लिक करके इसको रोटेट करना होगा। जैसे हम लोग इसको रोटेट कर पाते हैं तो इसको क्या हम लोग बड़ा या छोटा साइज में कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्केल टूल। रोटेट टूल के नीचे जो टूल अवेलेबल है वो है स्केल टूल। स्केल टूल को जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये देखिए ये सारे कंट्रोल्स बदल गए। अभी तीन एक्सिस हमें नज़र आ रहा है और हर एक्सिस के एंड में हमें एक छोटा सा हल्का सा एक क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस क्यूब को सिर्फ वाई एक्सिस में बड़ा करना चाहता हूँ तो ये जो ग्रीन कलर का एरो है उसके एंड में ये जो ग्रीन कलर का क्यूब है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं इसे खींचूँगा। अगर मैं बाहर की तरफ खींचता हूँ तो ये बड़ा होता है, अगर मैं अंदर की तरफ खींचता हूँ तो ये छोटा होता है। अगर मैं बाहर की तरफ जितना साइज चाहिए उतना साइज हासिल करने के बाद मैं इसको अगर माउस को अगर छोड़ दूंगा तो वो साइज हमें मिल जाएगा। उसी तरह हम लोग एक्स एक्सिस में भी इसको बड़ा कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में बड़ा करने के लिए ये जो रेड वाला एरो है उसके आखिरी छोर में जो रेड कलर का एक क्यूब है उसके ऊपर मुझे क्लिक करना होगा, बाहर की तरफ अगर खींचूंगा, क्लिक करके रखना होगा और बाहर की तरफ अगर खींचूंगा तो ये क्यूब बड़ा होता है और अंदर की तरफ अगर ड्रैग करूंगा तो ये छोटा होता है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस में। उसी तरह हम लोग जेड एक्सिस में भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद और एक टूल है, वो है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल क्या करता है? ट्रांसफॉर्म टूल हमें सारे कंट्रोल्स जैसे मूव हो गया, रोटेट हो गया और स्केल हो गया, ये सारे तीन के तीन टूल एक ही टूल के अंदर हमें दे देता है। जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म टूल को ऑन किया, यहाँ पे देखिए ये सारे कंट्रोल बदल गए। अब ये जो एरो है एक ही एरो में मुझे हर एक एक्सिस में आपको स्केल टूल वाला सिंबल दिखेगा, रोटेट
वाला सिंबल दिखेगा और एरो हेड दिखेगा, यानी कि अगर मुझे इस क्यूब को मूव करना है वाई एक्सिस में तो मैं क्या करूँगा, इस ग्रीन वाले एरो हेड पर क्लिक करके इसको खींचूँगा। अगर मुझे इसको वाई एक्सिस में छोटा करना है तो देखिए ये जो ग्रीन कलर का एरो है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का क्यूब है, उसके ऊपर मैं क्लिक करके उसको अगर अंदर की तरफ खींचूंगा तो ये छोटा होगा वाई एक्सिस में, या फिर अगर बड़ा करूंगा तो ये वाई एक्सिस में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और मुझे अगर वाई एक्सिस में एक रोटेट चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं वाई एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूँ तो ये ग्रीन कलर का जो हाफ सर्कल दिख रहा है उसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म टूल का फायदा यह है कि ये जो मूव टूल है, रोटेट टूल है और स्केल टूल है, एक ही टूल के अंदर हमें मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं सिलेक्ट टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ ताकि वो एरो सारे हट जाए और हमें ये साफ नज़र आए। दोस्तों इस सीन को हम देख के, यहाँ पे ये जो सीन कलेक्शन है यहाँ पर हम लोग नज़र डाल के हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, एक है कैमरा, दूसरा है क्यूब, तीसरा है लाइट। कई सारे मौके ऐसे आएंगे जब आप इन ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहेंगे, छुपाना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे? दोस्तों यहाँ पे देखिए सीन कलेक्शन में हर ऑब्जेक्ट के एंड में एक आंख जैसा एक सिंबल है। ये आंख वाला सिंबल हमें सीन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। अब ये देखिए कैमरा वाला ये जो ऑब्जेक्ट है सीन कलेक्शन के अंदर, ये जो आंख वाला सिंबल है अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो आंख वाला सिंबल गायब हो गया। यहाँ पर देखिए सीन में वो कैमरा गायब हो गया। अगर मैं उसके ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो देखिए कैमरा वापस आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं क्यूब को हाइड करना चाहता हूँ तो ये जो आंख वाला सिंबल है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो क्यूब छुप गया है, और दोबारा से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वापस आ गया। उसी तरह अगर मैं लाइट को छुपाना चाहता हूँ तो लाइट, ये जो लाइट ऑब्जेक्ट है इसका आंख वाला सिंबल पर मैं क्लिक करूँगा तो वो लाइट छुप जाएगा, दोबारा से जब मैं क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। कीबोर्ड में आप कैसे इसको छुपाएंगे? तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको छुपाना है पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। चलिए क्यूब को छुपाते हैं, तो क्यूब को मैं सिलेक्ट करता हूँ और छुपाने के लिए शॉर्टकट की है H, ठीक है। अब उसको अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट की H नहीं है, उसके लिए जो शॉर्टकट की है Alt-H। लेकिन Alt-H का प्रॉब्लम ये है कि जो जितने भी सारे ऑब्जेक्ट छुपे होंगे वो सारे एक साथ अनहाइड हो जाएंगे। तो कई सारे मामलों में जब आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को हाइड करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और H दबा दो, वो छुप जाएगा। अनहाइड करने के लिए आप यहाँ से अनहाइड कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट के इस आंख वाले सिंबल पर दोबारा से क्लिक करिए और ये वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हाइड और अनहाइड करते हैं ऑब्जेक्ट सीन के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड या फिर अनहाइड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीन से बाहर हो गया है, वो सिर्फ हमें नज़र नहीं आता। अगर मान लीजिए मैंने इस क्यूब को हाइड कर दिया था और मैं ये समझ बैठा कि सीन के अंदर एक क्यूब नहीं है और मैं रेंडर कर देता हूँ तो रेंडर में वो क्यूब आ जाएगा। ये रेंडर क्या है आगे की ट्यूटोरियल में चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीन से हट गया है, ठीक है। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन से हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करना होगा। ये देखिए अभी कैमरा हट गया। उसी तरह अगर मुझे लाइट को डिलीट करना है, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दूंगा, ये देखिए लाइट भी हट गया। और अगर हम सीन कलेक्शन के अंदर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ क्यूब सीन के अंदर अवेलेबल है। अगर हम इसको रेंडर करेंगे तो हमें सिर्फ क्यूब मिलेगा, ठीक है। मैं अभी क्या करूँगा, एक इस सीन को दोबारा से लॉन्च करता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। तो मैं न्यू में जाऊँगा और जनरल में जाऊँगा, डिस्कार्ड चेंजेस, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, कैमरा और लाइट को हाइड कर देता हूँ। कैमरा और लाइट को हाइड करने के लिए दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा। दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड में मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। अभी देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं। अब दोनों को एक साथ हाइड करने के लिए कीबोर्ड में मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा H। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट हाइड हो गए। एक चीज़ जो समझने वाली बात है, जब मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ ये पूरा क्यूब सिलेक्ट हो रहा है। इस मोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट मोड, यानी कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मोड में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। 3D मॉडलिंग में हम लोग एक्चुअली करते हैं क्या है, पहले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उसको एडिट करते हैं।
इस क्यूब से अगर मुझे एक चेयर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को एडिट करना होगा। इस ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए मुझे जाना होगा ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में। तो हम लोग कैसे जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस क्यूब को मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इस क्यूब को मैं सिलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पर गया। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट मोड है, इसके जो डाउन एरो है उसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है एडिट मोड। एडिट मोड, ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड जाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है टैब। एक ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, आपने कीबोर्ड पे टैब प्रेस कर दिया तो आप एडिट मोड में आ सकते हैं। आपने गौर किया होगा जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में चेंज किया तो हमें इस तरीके का वो क्यूब दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट एक एज से कलेक्टेड, एक एज से जॉइंट है और ये सारे एज एक फेस से फिल अप है, यानी कि ये हो गया फेस, ये हो गया एज और ये सारे पॉइंट्स हो गए वर्टेक्स पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम लोग वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। किसी भी वर्टेक्स पॉइंट को हम लोग माउस क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे हम लोग इस क्यूब को मूव कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, स्केल कर रहे थे, हम लोग उसी तरह इन पॉइंट्स को भी मूव कर सकते। ये देखिए ये पॉइंट अभी सिलेक्टेड है, ये वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्टेड है, इसको मूव करने के लिए मैं यूज़ करूँगा मूव टूल। तो जैसे ही मैं मूव टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ ये सारे ये तीन डंडे मुझे मिल जाते हैं। तो इसको मैं आगे एक्स एक्सिस में मूव करने के लिए ये रेड वाला जो एरो है उसके एरो के ऊपर मैंने क्लिक किया, फिर ड्रैग किया। इसको मैं उसी तरह वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता हूँ और जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता हूँ, ये देखिए ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसको मूव करता हूँ ये ऑब्जेक्ट का शेप बदल रहा है, ठीक है। किसी भी मैं वर्टेक्स पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया उसी तरह क्या मैं इस एज को सिलेक्ट कर पाऊँगा, यानी कि अगर मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट को मूव करने के बजाय इस एज को मूव करना है या फिर इस एज को मूव करना है, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। हम लोग अभी वर्टेक्स इसीलिए सिलेक्ट कर पाते हैं एडिट मोड में क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड ऑन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन बटन है, ये पहला वाला बटन ऑन है। अगर मुझे एज को सिलेक्ट करना है तो मुझे एज सिलेक्ट मोड को ऑन करना होगा और ये वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के बगल में ही है। तो मैं एज सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जब मैं एज के ऊपर क्लिक करूँगा अभी देखिए पॉइंट के बजाय एज सिलेक्ट हो रहा है। तो जैसे मैं पॉइंट को मूव कर रहा था उसी तरह मैं एज को सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ये देखिए रोटेट हो पा रहा है, ठीक है। और अगर मुझे इसको स्केल अप स्केल इन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ये देखिए स्केल अप स्केल इन हो रहा है, ठीक है। इसका लेंथ छोटा हो रहा है, इसका लेंथ बड़ा हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ जैसे मैंने एज को सिलेक्ट किया उसी तरह क्या मैं फेस को सिलेक्ट कर पाऊँगा? बिल्कुल कर पाऊँगा। यहाँ पे देखिए एज सिलेक्शन मोड के बगल में एक बटन है और वो है फेस सिलेक्शन मोड। जैसे मैं फेस सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट करता हूँ अब मैं फेस को सिलेक्ट कर पाऊँगा, ये देखिए। जैसे हम लोग एज को मूव कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, स्केल इन स्केल आउट कर रहे थे, उसी तरह क्या हम लोग फेस को भी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। फेस को मूव करने के लिए फेस को सिलेक्ट करिए, फिर चलिए मूव टूल को ऑन करिए। और जैसे मूव टूल को ऑन करेंगे आपको इस तरीके का तीन कंट्रोल मिल जाएगा और जिस एक्सिस में आपको मूव करना है आप मूव कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप रोटेट करना है तो आपको रोटेट टूल ऑन करना होगा और आप रोटेट करिए, जिस एक्सिस में आपको रोटेट करना है आप उस एक्सिस में रोटेट कर पाएंगे। उसी तरह स्केल इन स्केल आउट भी कर पाएंगे। आपको एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना होगा, जब हम लोग वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में ऑन रहते हैं तब हम सिर्फ वर्टेक्स सिलेक्ट कर पाएंगे और उसको मूव इन मूव आउट कर पाएंगे। वर्टेक्स सिलेक्शन मोड का एक डीमेरिट यह है कि वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में सिर्फ हम लोग एक पॉइंट को मूव कर पाएंगे, रोटेट या फिर स्केल इन स्केल आउट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट का रोटेशन मतलब कोई मीनिंग ही बनता नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको रोटेट करता हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। उसी तरह इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और स्केल इन स्केल आउट किया तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, जबकि एज सिलेक्शन मोड में हम लोग एक एज को मूव कर पाते हैं
रोटेट कर पाते हैं और स्केल इन स्केल आउट कर पाते हैं, ठीक है। उसी तरह फेस सिलेक्शन मोड में भी हम लोग एक फेस को सिलेक्ट किया, मूव कर पाएंगे, रोटेट कर पाएंगे और स्केल इन स्केल आउट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है वर्टेक्स सिलेक्शन मोड, एज सिलेक्शन मोड और फेस सिलेक्शन मोड में। तो हम लोग जब मॉडलिंग करते हैं तो ये तीनों चीज़ों में हम लोग शिफ्ट करते हैं और डिजायर्ड शेप हासिल करते हैं। वो कैसे करेंगे वो आगे वाले ट्यूटोरियल में, मॉडलिंग वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि कैसे मॉडलिंग किया जाता है, लेकिन अभी समझने के लिए इसको याद रखिए। चलिए अभी ये शेप मेरा ये तैयार है, यानी कि इसमें और कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं एडिट मोड से आ जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में। और ये देखिए जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ अब ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। याद रखिए ऑब्जेक्ट मोड का फ़ायदा ये है कि हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन एडिट मोड में सिर्फ हम लोग या तो वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्ट कर पाएंगे, या तो एज सिलेक्ट कर पाएंगे, या तो फेस सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब एडिट मोड में कौन सा मोड ऑन है वो कैसे पता चलेगा, हमें ये तीन बटन को देखना है। ये देखिए अभी फेस सिलेक्शन मोड ऑन है, जैसे एज सिलेक्शन मोड ऑन करता हूँ तो ये बीच वाला बटन ऑन हो जाता है, और जैसे वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्शन मोड ऑन है तो ये पहला वाला बटन ऑन हो जाता है, ठीक है। और जब भी हम लोग एडिट ख़त्म करते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। मैं दोबारा से एक नया सीन लॉन्च करता हूँ, न्यू जनरल, और इसको मुझे सेव करने की आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगा। और फिर से मैं कैमरा और लाइट को हाइड कर देता हूँ। दोस्तों मॉडलिंग में मैटर करता है व्यू। अभी हम लोग ये जो व्यू देख रहे हैं ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव व्यू, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है यूजर पर्सपेक्टिव, ठीक है। और एक किस्म का व्यू है वो है ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू पर्सपेक्टिव व्यू के बीच का अंतर ये है कि कल्पना करिए आप रोड के ऊपर खड़े हैं, आपको दूर से एक ट्रक दिखाई देता है, तो सबसे पहले ट्रक का आकार जो है वो बहुत छोटा दिखाई देता है। जैसे जैसे ट्रक करीब आता है उसका आकार बढ़ते हुए जाता है, और जैसे ट्रक हमारे पास से गुजरता है और दूर जाता है उसका आकार फिर से दोबारा से छोटा होते होते जाता है। तो इस प्रकार का ये जो नज़रिया है इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू का ऑपोजिट है ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू में चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो उसका आकार हमें सेम ही नज़र आता है। तो मैं क्या करूँगा सीन में और एक क्यूब ऐड करूँगा, और एक क्यूब ऐड करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर ऐड में, फिर मैस, फिर क्यूब। मैंने अभी क्यूब को ऐड किया लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऐड करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन में ऐड होता है, यानी कि यहाँ पे एक क्यूब ऐड हो चुका है। और हम लोग ये सीन कलेक्शन पैनल के अंदर देख के समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक क्यूब ऐड हो चुका है और वो क्यूब सिलेक्टेड है। यहाँ पे दो क्यूब है, ठीक है। जो क्यूब ऐड हुआ है उसको मुझे मूव करना है, तो मैं उसको पहले सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ से मूव टूल ऑन करूँगा, और जैसे मूव टूल ऑन करता हूँ ये तीन एरो वाला मुझे ये कंट्रोल मिल जाता है, और फिर मैं इसको मूव कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अगर मैं इस सेकेंड वाले क्यूब को यहाँ पे भी रखता हूँ इन दोनों का आकार सेम है। अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाऊँगा ये देखिए इस क्यूब का आकार बड़ा है और इस क्यूब का आकार छोटा है। मैं इसको जितना पीछे लेके जाऊँगा वो उसका आकार उतना छोटा हो गया, जबकि ये इस क्यूब का आकार उतना ही है। कि पर्सपेक्टिव व्यू में जो ऑब्जेक्ट जितना पीछे होगा उसका आकार उतना छोटा होगा, और जो ऑब्जेक्ट स्क्रीन के जितना नज़दीक होगा उसका आकार उतना बड़ा होगा। अभी ये देखिए पर्सपेक्टिव व्यू है, पर्सपेक्टिव व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू में चलते हैं। मैं 5 प्रेस किया और हल्का सा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए इस क्यूब का आकार जितना है इस क्यूब का आकार भी उतना है। अब ऑर्थोग्राफिक व्यू से दोबारा से पर्सपेक्टिव व्यू में जाते हैं तो आप समझ पाओगे कि ये देखिए इसका आकार अभी छोटा हो गया, इसका आकार बड़ा है। तो मॉडलिंग करने के दौरान हमें कई बार पर्सपेक्टिव व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू, फिर ऑर्थोग्राफिक व्यू से पर्सपेक्टिव व्यू में हमें शिफ्ट करना रहता है, ठीक है। मैं इस क्यूब को अभी डिलीट कर देता हूँ, तो ये अभी क्यूब सिलेक्टेड है, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब सीन में एक ही क्यूब अवेलेबल है। कई बार मौके ऐसे आएंगे कि हमें इस क्यूब को सिर्फ फ्रंट व्यू से देखना है, तो कैसे देखेंगे, उसके लिए कीबोर्ड में प्रेस करेंगे 1, ठीक है। जैसे ही मैं कीबोर्ड पे 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यूजर पर्सपेक्टिव व्यू से हमें फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू हमें मिल गया। इस ऑब्जेक्ट का हम लोग अभी फ्रंट साइड देख रहे हैं, ऐसे कई सारे मौके आएंगे एक ऑब्जेक्ट का हमें उसका राइट साइड देखना है तो वो कैसे देखेंगे, इसके लिए शॉर्टकट की है 3। जैसे ही मैं 3 प्रेस करता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट का मैं राइट साइड देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर भी ये बदल गया है
राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू। उसी तरह अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ से देखना चाहता हूँ तो उसके लिए शॉर्टकट की है 7। 7 से मुझे मिलता है टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्रंट से या फिर राइट से या फिर टॉप से देख सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रंट से देखना है तो शॉर्टकट की है 1। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर राइट से देखना है तो उसका शॉर्टकट की है 3। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टॉप से देखना है तो उसका शॉर्टकट की है 7। ऑर्थोग्राफिक व्यू के बाद और एक चीज़ हमें जानना होगा और वो है सेटिंग्स। ये सेटिंग्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग 3 तरीके से देखते हैं। एक है वायर फ्रेम मोड, दूसरा है सॉलिड मोड, तीसरा है रेंडर्ड मोड। ये जो अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, ये जो अभी हमें नज़र आ रहा है, ये सॉलिड मोड में नज़र आ रहा है। कई बार मौके ऐसे आएंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इसका एज देखना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए 3 बटन है। अभी ये सॉलिड मोड बटन ऑन है, ठीक है। इसके ऊपर माउस रखोगे तो वहाँ पे लिखा है मेथड टू डिस्प्ले सेड ऑब्जेक्ट्स इन द 3D व्यू सॉलिड। ये भी सॉलिड मोड में ऑन है। जैसे मैं इसके बगल वाला बटन जो है वायर फ्रेम मोड, इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ मुझे इस तरीके से दिखेगा, यानी कि सिर्फ वायर फ्रेम दिख रहा है। तो कई सारे मौके ऐसे आएंगे 3D मॉडलिंग के दौरान जब मुझे एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ वायर फ्रेम मोड में देखना है, तो तब मैं इस वायर फ्रेम मोड को ऑन कर दूंगा और इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देखूंगा। दोबारा से सॉलिड मोड में देखने के लिए इसको मैं क्लिक कर दूंगा और ये सॉलिड मोड में आ जाएगा। सॉलिड मोड के बगल में एक बटन है जो है लुक देव। ये क्या है ये हम लोग भविष्य में चर्चा करेंगे, फिलहाल इग्नोर कर दीजिए। उसके बगल में एक और बटन है, वो है रेंडर्ड। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। ये क्या है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जब हम रेंडर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कैसे नज़र आएगा, ये रेंडर क्या है, बहुत ही जल्द चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल याद रखिए कि जब भी हम लोग मॉडलिंग ख़त्म करते हैं उसके बाद जो चीज़ हम करते हैं वो है रेंडर। इस ऑब्जेक्ट को रेंडर मोड में कैसे नज़र आएगा अगर हमें जानना है तो मुझे ये बटन ऑन करना होगा। तो ये था सारे जो इम्पोर्टेंट बेसिक बातें हैं, और इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करने से पहले इसको सेव कैसे करना है वो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं। इसको सेव करने का तरीका बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर में सेव करते हैं उसी तरीके का है। फाइल में चलिए, फिर चलिए सेव एज, फिर जिस जगह सेव करना है उसको सिलेक्ट करिए और फिर वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अगर आप एक फोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए फोल्डर क्रिएट न्यू डायरेक्टरी है, उसको क्लिक करिए, एक नया फोल्डर बन जाएगा और फिर इसको आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। याद रखिए कि जब भी आप फाइल सेव करें उसका एक्सटेंशन जो होगा वो होगा डॉट ब्लेंड, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लेंडर 2.80 का प्रयोग कैसे करना है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करो, मैं आप लोगों को और एक इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल में मिलूंगा। और दोस्तों, याद रखो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को सीखने का सबसे आसान तरीका है ढेर सारा प्रैक्टिस, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू।